छीना झपटी करने वालों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब सैकड़ों लोगों के बीच किसी के साथ भी लूटपाट करने से कतई नहीं घबराते। ऐसी ही घटना बीकानेर में एक बारात में फोटोग्राफी कर रही कैमरामैन के साथ हुई। छीना झपटी के मामले की रिपोर्ट कोर्ट गेट थाने में दर्ज की गई है। बता दें कि घटना तब पेश आई जब राकेश चावरिया 12 अप्रैल की रात को लालगढ़ से बांद्राबास की ओर जा रही बारात में फोटोग्राफी कर रहा था। तभी अचानक 3 नकाबपोश बदमाश मौके पर पहुंचे और इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं वारदात की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी किस तरह से बीच बाजार में भी इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दे रही है। फोटोग्राफर चावरिया ने बताया कि बारात जब बांद्राबास पशु चिकित्सालय के पास पहुंची तो 3 नकाबपोश मोटरसाइकिल पर वहां मौके पर पहुंचे, जिनमें से 2 आगे बाइक पर जाकर रुक गए। वहीं एक व्यक्ति नीचे उतरकर आया, जिसने कैमरामैन के हाथ से पहले कैमरा छीनने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने कैमरामैन पर डंडे से वार भी किया, जिसके चलते आरोपी कैमरामैन के हाथ से एक सोने की अंगूठी, कैमरे का लेंस, बैटरी और LED लाइट छीनकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौर हो कि बीकानेर में लगातार बढ़ती इन घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रही हैं कि बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि आरोपी बारात में सैकड़ों आदमी होने के बावजूद भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रही हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब के सीटीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।